फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एम्पलीफायर क्लासेस में। और अब हम एम्पलीफायर क्लासेस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको जैसा कि वादा किया था कि जनवरी के पूरे करंट अफेयर आपको एक दिन में याद करा दूंगा, तो चलिए मैं अपना वादा पूरा करने का समय आ गया, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और इसमें सारी डेट्स लिखी हुई हैं, कुछ डेट्स जो नहीं लिखी हुई हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने पहले ही आपको बता चुका है, अगर आपने वो कोड वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उसको तुरंत देख लें। मैंने उसमें सारे के सारे कोड्स बता रखे हैं आपको। जैसे मैंने एक बार और छोटा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, उसके पहले वाली वीडियो में आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जीरो का कोड जो था वो एस और जेड था, शून्य और जीरो। वन का कोड जो था आपका वो टी था और डी था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देव नंबर वन। और टू का कोड है एन, इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए, एन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थ्री के कोड की तो वो एम है, थ्री को बिल्कुल एम की तरह है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको भी घुमा दीजिए तो बन जाएगा। फोर का कोड बात करूँ तो फोर का कोड आर था, आपको मैंने बता रखा था, यानी कि एफ ओ यू आर होता है। और यहाँ पे ये जो आर है इसको आप लोग सीधा डायरेक्ट आर को यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैं फाइव की कोड की बात करूँ तो फाइव का कोड जो है वो एल है, मैंने आपको बता रखा है। सिक्स का कोड अगर बात करूँ तो जे होगा, और उसके बाद में जी होगा, एस एच होगा और सी एच होगा, मैंने बता रखा है, सू जू जे जी, ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे बात करूँ सेवन की तो सेवन की कोड सी के होता है, आपको पता है सी के की कैप होती है। और यहाँ पे देखिए आप एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एट को अगर मैं बोलूँ तो एट का कोड क्या होता है, एफ और बी होता है, आपको पता होगा। अगर मैं नाइन की बात करूँ तो नाइन का कोड क्या होगा, पी और बी, बिल्कुल उल्टा घुमा दीजिए फिर सीधा करके फिर उल्टा घुमा दीजिए। तो ये पूरे कोड्स हैं। अब मैं बात करूँ जनवरी की, तो जनवरी फोर को वर्ल्ड बरेली डे मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी वालों के लिए भी सुविधा अनुसार मैंने दे दिया है विश्व, यहाँ पे 4 जनवरी विश्व बरेली ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस ये अंधे लोगों के लिए होता है, आपको पता होगा इसमें 6 डॉट्स होती हैं, ठीक है। टोटल डॉट्स कितनी होती है कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा कि 6 डॉट्स होती हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ वर्ल्ड बरेली डे की, तो ये आपको सिंपल याद करने का तरीका है, रेटिना डिसऑर्डर। क्या है रेटिना डिसऑर्डर, यानी कि आर कैपिटल और डी कैपिटल, या फिर आर डी शर्मा पढ़ने से मेरी आंखें खराब हो गई। क्या आर डी शर्मा पढ़ने से मेरी आंखें खराब हो गई, तो आर का कोड क्या हो गया 4 और डी का कोड क्या हो गया 1 हो गया, सिंपल सी बात है 4-1। अब फ्रेंड्स एक चीज़ का और याद रखिएगा, मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, अगर 2 नंबर आता है तो एक जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका डे कोड होगा पहला वाला, और दूसरा वाला जो होगा वो मंथ कोड होगा। यानी कि अगर 4-1 आया तो 4 जो होगा वो आपका डे का कोड होगा, और जो 1 होगा वो आपका मंथ का कोड, यानी कि 1 का मतलब क्या हो गया जनवरी हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ तो यहाँ से वर्ड बरेली डे के हिसाब से रेटिना डिसऑर्डर, आर का कोड क्या हो गया 4 हो गया, और डी का कोड क्या हो गया 1 हो गया। अब मैं बात करता हूँ जनवरी 9 की, तो जनवरी 9 को आपका क्या मनाया जाता है, एनआरआई डे मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। आपको पता है जो लोग बाहर रहते हैं नॉन रिलीजन इंडियंस उनको हम NRIs कहते हैं, तो NRIs का गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है क्योंकि वो हमारे मतलब GDP को काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं। तो इस हिसाब से भारतीय बड़े अमीर होते हैं, क्या भारतीय बड़े अमीर होते हैं, या फिर NRI भारतीय बड़े अमीर होते हैं, आप कैसे भी करके अपने दिमाग में बस छाप लीजिए कि बड़े आएगा। NRI मतलब भैया वो बड़ा आदमी है, तो बड़े बड़े का मतलब बड़े। बी का कोड क्या होगा, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो मैंने बी का कोड बताया है वो मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए 9 पे, तो 9 पे क्या है PB है, तो PB यानी कि B का कोड क्या हो गया, B का कोड आपका हो गया 9, और A का कोड होता नहीं है, D का कोड 1 हो गया, ठीक है। E का कोड होता नहीं है, आपको मैं ये बता दूं कि आपने आप ये सोच रहे होंगे कि A और E का कोई कोड क्यों नहीं है, तो सिंपल सी बात है याद रखिएगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कोड्स नहीं होते हैं, ये मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है। जैसे AEIOU ये आपके वॉवल्स हैं, इनके कोड नहीं होते हैं, W का कोड नहीं होता है आपका, H का कोड नहीं होता है, ठीक है, और Y का कोड नहीं होता है, ये 3 के कोड नहीं होते हैं, बाकी आपके 5 वॉवल हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं जिनके कोड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे अपने वीडियो के, फ्रेंड ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो वर्ल्ड हिंदी डे आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, आमतौर पर सबको याद रहता है, जिसको नहीं याद रहता उसके लिए बता रहा हूँ। दास दा हिंदी में हंसा रहे थे, आपको पता है एक दास दा आते हैं सोनी TV में, पहले आते थे दास दा, तो दास दा का काम था हंसाना, वो एक लाफ्टर शो को मतलब डील करते थे, तो उनका काम क्या था वो हंसाते थे, तो दास दा याद रखिएगा डी से। अब दास दा में अब डी का कोड क्या हो गया, तो डी का कोड 1 हो गया, एस का कोड क्या हो गया 0 हो गया, शून्य, और फिर डी का कोड 1 हो गया। तो मैंने आपको बताया पहली 2 डिजिट क्या बताएंगी, तो पहली 2 डिजिट आपको डे कोड बताएंगी, क्या बताएंगी डे,
और दूसरी जो को वन है वो क्या बताएगा आपको, वो आपको मंथ कोड बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अब जनवरी 12 की बात करें तो जनवरी 12 को देखिए नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्या? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे का मतलब क्या है? यूथ मोबाइल में DND लगाता है। आप देखिए जनरली आजकल जो भी यूथ है वो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रखा है, और हम अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होने की वजह से वो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहा है। दो ही जगह ध्यान दे रहा है, या तो पढ़ाई कर रहा है या फिर सो रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि DND लगा के सो जाता है यूथ, या DND लगा कर पढ़ते हैं यूथ। तो यूथ यूथ आपको याद आ गया है, DND। अब D का कोड क्या है? 1 है, और N का कोड क्या है? 1 है, और N का कोड क्या है? 2 है। तो यहाँ से 121 बार आ गया, यानी कि 12 और 1। मैंने बताया पहले दो क्या होंगे, पहले दो आपके डे कोड होंगे और दूसरे जो लास्ट होगा वो आपका मंथ कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ से 12 जनवरी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ लोरी डे की। तो लोरी डे की, तो लोरी देखिए फ्रेंड्स, सब कोई लोरी नहीं मनाते हैं। ठीक है, कुछ ही लोग मनाते हैं। तो जैसे अगर हमें कोई मिला तो हम उससे ये पूछते हैं, तुम तो लोरी मनाते हो, मतलब हम एक पाई का पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम लोहड़ी मनाते हो। यहाँ पे लगा दीजिए क्या तुम तो लोहड़ी मनाते हो, कुछ भी अपने तरीके से बना सकते हैं आप। मैंने तुम तो बनाया है, ठीक है, तुम तो लोहड़ी मनाते हो। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है उससे आप पूछ सकते हैं, यार तुम तो लोहड़ी मनाते हो ना। इस तरीके से आपको दिमाग में बस छाप लेना है ये मतलब ये मैजिक कोड्स हैं जो आपको छाप लेना दिमाग में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, विश्वास मानिए, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टी का कोड क्या है? तो टी का कोड आपका 1 है, यू का कोड होता नहीं, एम का कोड 3 है, और फिर टी का कोड क्या है? 1 है। ओ का कोड होता नहीं, वो पहले, तो 131 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से 13 जनवरी, ठीक है, कंफर्म। अब आगे बढ़ते हैं 14 से 15। ये याद रखिए, ये मकर संक्रांति वाला केस जो है ना, ये कभी कभार पूछा जाता है, बहुत रेयर पूछा जाएगा। कोई यूपी की परीक्षा हो तो उसमें भले पूछ ले, पर केंद्रीय विद्यालय हो गया स्पेशली, या फिर और कोई सीरीज हो गई, मतलब उनमें तो अक्सर नहीं पूछा जाता। हाँ, यूपीएससी वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी हो गया, ये स्टेट पीसीएस हो गया, इन सब में ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर कोई मतलब यूपी के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि अंधविश्वास सबसे ज़्यादा कहाँ भरा है आपको पता है, यूपी में भरा हुआ है। ठीक है, मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति सेट बाय सोलर, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। मकर संक्रांति जो है, जब सूर्य के राशि में, मतलब मकर की राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, ठीक है, तो उस दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक है, आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो मतलब ये है, यो कभी कभी तो 14 जनवरी को मनाया जाता है, और कभी कभी 15 जनवरी को मनाता है, डिपेंड करता है कि मकर की राशि में कब प्रवेश कर रहा है सूर्य। तो इतना आप याद कर सकते हैं कि 14 और 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति डे मनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनवरी 15 की। तो जनवरी 15 को आर्मी डे मनाया जाता है। आपको 15 अगस्त से याद रखना है, 15 अगस्त को कुछ मनाया जाता है आपको ही पता होगा, और 15 जनवरी को कुछ मनाया जाता है आपको पता होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 15 अगस्त और 15 जनवरी। अब मैं बात करूँ जनवरी 23 की, तो जनवरी 23 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। ठीक है, इस दिन क्या मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखिए, आप सुभाष चंद्र बोस जी भाई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, ये बड़े आदमी थे। अब अगर उस स्कूल में इनकी जयंती मनाई जाएगी तो कोई छोटा मोटा तो आपको या हमको थोड़ी ना बुलाया जाएगा यार, वहाँ पे किसको बुलाया जाएगा? DM साहब को भैया, और DM साहब आपकी डी निकल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो DMD मतलब मैरी DMD आई थी, मतलब सुभाष चंद्र बोस जयंती में मेरी DM दीदी आई थी। तो DMD याद रखना है, कौन आया था सुभाष चंद्र बोस की जयंती में? कौन आया था? DMD आई थी। कौन आया था? DMD आई थी। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। अब मैं बात करूँ नेशनल वोटर्स डे की, तो नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो नेशनल वोटर्स डे या फिर नेशनल टूरिज्म डे, न्यू ओल्ड सब करते हैं। क्या करते हैं? न्यू ओल्ड सब करते हैं। तो न्यू ओल्ड सब करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो याद रखिए, न्यू ओल्ड नेशनल टूरिज्म डे। अब सबसे पहले अब मैं वो वोट का बता देता हूँ। तो वोट का क्या याद रखना है? वोट का कोड है, अगर मैं बात करूँ, दो चीज़ें हैं, एक तो है नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे है। इस नेशनल वोटर्स डे का कोड क्या है? तो याद रखिए, वोट कौन देता है? वोट जो नए लोग हैं वो भी देते हैं, और जो पुराने लोग हैं वो भी देते हैं। तो वोट न्यू ओल्ड दोनों देते हैं, न्यू ओल्ड दोनों देते हैं। तो एन का कोड क्या हो गया? एन का कोड 2 हो गया, ई का कोड होता नहीं, डब्ल्यू का कोड होता नहीं, ओ का कोड क्या हो गया? ओ का कोड होता नहीं, एल का कोड क्या हो गया? एल का कोड 5 हो गया, और डी का कोड 1 हो गया। तो 25 जनवरी, ये दोनों क्या रहते हैं? आपकी डेट बता रही है, और 1 आपका मंथ बता रहा है। ठीक है, तो 25 जनवरी। ठीक है,
और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ टूरिज्म डे की, एक क्या मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे यानी कि राष्ट्र पर्यटन दिवस, यहाँ पे देखिए देर का राष्ट्र पर्यटन दिवस। तो नेशनल टूरिज्म डे की बात करूँ मैं, तो नेशनल टूरिज्म डे क्या मनाया जाता है, तो ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिए 25 जनवरी। अब इसमें क्या है यार, टूरिज्म ज़्यादातर टूरिस्ट, आप कैसे टूरिस्ट को देखकर खुश हो गए, आप ऐसे टूरिस्ट को देखकर खुश हो गए, ज़्यादातर जब फॉरेन से जो लड़कियां आती हैं उनको देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, यार वो कितनी मतलब गोरी है कैसी। तो न्यू लेडी कौन आया था, न्यू लेडी कौन आया था, न्यू लेडी। फ्रेंड्स मैं किसी की भावनाओं को तेज नहीं बुलाया, आप ये सब मत सोचिएगा कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, याद करने के लिए हमारा दिमाग बहुत नेगेटिव साइड में जाता है, तो हम नेगेटिव अगर सोच के याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। पॉजिटिव का जमाना गया, ठीक है, लोग फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय हनुमान चालीसा सुनने के, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपने पॉइंट पे आते हैं, न्यू एन की बात करें तो, एन की बात करें तो टू, यहाँ पे एन की बात करें तो टू, ई का होता नहीं, डब्ल्यू का होता नहीं, एल का 5, ए का होता नहीं, और डी का क्या होता है, डी का क्या होता है, 1 होता है, तो 25 यहाँ से भी गया, तो न्यू लेडी। तो आप याद रखिएगा टूरिज्म करने न्यू लेडी आई थी, क्या टूरिज्म करने कौन आया था, टूरिज्म करने न्यू लेडी आई थी, कौन आया था, न्यू लेडी आई थी, न्यू लेडी आई थी, ठीक है। अब बात करते हैं रिपब्लिक डे की, रिपब्लिक डे या इंटरनेशनल कस्टम डे। तो इंटरनेशनल रिपब्लिक डे या इंटरनेशनल कस्टम डे, अब याद रखिए ये दोनों के दोनों 26 जनवरी को होते हैं, आपको पता होगा रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे आपका 26 जनवरी को होता है, और यहाँ पे मैं एक बता रहा था आपको 15 अगस्त को, 15 अगस्त, 15 अगस्त और 15 जनवरी, मैं ये बताना भूल गया था, 15 अगस्त और 15 जनवरी, 15 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस डे और 15 जनवरी को आपका, 15 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस डे और 15 जनवरी को आपका क्या होता है, आर्मी डे, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए 15 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट पे, इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे या फिर इंटरनेशनल कस्टम डे। तो याद रखिए रिपब्लिक डे तो याद रहेगा, तो आपको ऐसे बोलना है रिपब्लिक डे वाले, क्या रिपब्लिक डे, या ऐसे नहीं सॉरी, कस्टम वाले रिपब्लिक डे के दिन नजाया टैक्स लेते हैं, कैसा टैक्स लेते हैं, नजाया टैक्स। तो किस दिन कस्टम वाले नजाया टैक्स लेते हैं, रिपब्लिक डे के दिन। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे के दिन थोड़ा छानबीन ज्यादा ही होती है, ठीक है, तो जब छानबीन होगी तो कस्टम वाले ही पकड़ते हैं, तो उस दिन क्या कह देते हैं, नजाया टैक्स लेते हैं। अब सिंपल आपका हो गया, एन का कोड 2 होता है, ए का कोड होता नहीं, जे का कोड 6 होता है, ए का कोड होता नहीं, वाई का होता नहीं, ए का ना होता, टी का 1 होता है, ठीक है। तो याद रखिए ये 1 क्या बता रहा है आपको, ये मंथ कोड बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, 26 तारीख आपको, ये आपको डे कोड बता रहा है, ठीक है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमिमोरेशन, ये क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमिमोरेशन, तो ये कुछ नहीं है, ये जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, क्या वर्ल्ड वॉर 2, तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसने ये कहा कि 27 जनवरी को हमने, जो भी उसने उस दौरान मरे थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमिमोरेशन मनाया जाएगा, यानी कि क्या मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। आपको पता है वर्ल्ड वॉर छोटे लेवल पे तो होता नहीं है, काफी बड़े लेवल पे होता है, जैसे अभी हमारा चाइना और इंडिया का हो रहा था तो लोग बोल रहे थे वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो याद रखिए 27 से, तो कहते हैं ना क्या तेरा 27 चल रहा है, तो 27 मतलब 27 चल रहा है, तो 27 के दिन कुछ बहुत बड़ा काम हुआ था यार, तो उस दिन क्या हुआ था, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमिमोरेशन यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो लोग मरे थे उनके लिए याद करने का दिन था। तो कुछ चीज़ें हमें हमें उसे निमोनिक ट्रिक की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर इतना भी दिमाग को कमजोर नहीं करना है कि वो काम ही करना बंद कर जाए, कोई कुछ पे दिमाग लगाना है। तो 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमिमोरेशन। अब याद करते हैं जनवरी 30 को, जनवरी 30 को फ्रेंड्स क्या मनाते हैं, जनवरी 30 को हम मतियाज डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, मतियाज डे यानी कि शहीद दिवस। अब शहीद दिवस यानी कि शहीद लोग मरे होंगे, तो शहीद दिवस तो मसूद अजहर की वजह से लोग शहीद होते हैं, आपको पता होगा ये एक मिलिटेंट था, क्या था, ये मिलिटेंट था, याद रखिए एक होता है मिलिटेंट और एक होता है टेररिस्ट, ठीक है। हम लोग जो उनको क्या बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं, और वो लोग क्या बोलते हैं, मिलिटेंट बोलते हैं, जम्मू कश्मीर वाले, ठीक है, मतलब उनके मिलिटेंट, ठीक है, उग्रवादी आतंकवादी, ठीक है, मिलिटेंट मतलब उग्रवादी और टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, ठीक है, तो दोनों एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा। मसूद, तो शहीद दिवस के दिन मसूद अजहर के वजह से लोग शहीद होते हैं। इस दिन दो डेट बनाए जाते हैं, एक आपका मटियास डे और दूसरा शहीद दिवस। शहीद दिवस अलग है, आपका मटियास दिवस अलग है, ठीक है। और याद रखिएगा गांधी गांधी जी के मरणोपरांत की वजह से ये मटियास डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो गांधी जी और शहीद दिवस दोनों जी, मतलब मटियास डे और शहीद दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मसूद अजहर के वजह से लोग शहीद होते हैं,
ठीक है, मसूद अजहर क्या था, टेररिस्ट था जम्मू कश्मीर का, आपको पता होगा उसको पुलवामा या मतलब मुझे अभी याद नहीं है कहाँ पे उसको मार दिया गया था, ठीक है। तो ये द्रास सेक्टर में, अगर नहीं तो द्रास सेक्टर में मारा गया था या पुलवामा ने मारा गया था, मेरे को कंफर्म नहीं है अभी। तो मसूद बहुत फेमस टेररिस्ट था, तो इसको मार दिया था, बस फ्रेंड्स हो गया। एम का कोड क्या होता है, 3 होता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए तुरंत। ये एम का कोड 3 होता है, एस का कोड 0 होता है, ओ का होता नहीं, ओ का होता नहीं, और डी का कोड फिर 1 होता है। तो यहाँ पे 30-1 आ गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको 30 जनवरी ये याद रहेगा, मटियास दे गांधी का और मसूद, मटियास दे मतलब गांधी जी भी इसी दिन मरे थे, मसूद भी इसी दिन मरा था, ठीक है। मसूद की वजह से किसे भी करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जनवरी लास्ट संडे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ठीक है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे क्या है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे याद रखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी डेट्स हैं हर मंथ में, एक दो डेट्स ऐसी आएंगी जो इनका कोई फिक्स पीरियड नहीं रहता, ठीक है, जिनका कोई फिक्स पीरियड नहीं रहता। जैसे मार्च के महीने में कई सारी ऐसी डेट्स हैं, ठीक है, जैसे लाफ्टर डे हो गया, इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका ऐसी कई सारी डेट्स हैं जो फिक्स नहीं है, ठीक है, जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये याद रखिए कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे क्या है, वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ठीक है, कुष्ठ रोगियों के लिए मनाया जाता है। और जो भी जनवरी का जो भी लास्ट संडे बनेगा, क्या जनवरी का जो भी लास्ट संडे होगा उस दिन क्या मनाया जाएगा, उस दिन वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एकदम कंफर्म याद होना चाहिए, ठीक है, लास्ट डे ऑफ संडे, तो आप ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ, होप सो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, ठीक है फ्रेंड। बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्लीज़ फ्रेंड्स, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो फिर मैं आगे की वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।